आए मेरे साथ निकाले, अब देखिए फिर आने वाला है। दूसरा पत्रस 3:9-11 आज हम गौर करेंगे। दुनिया फिर वही हालत में जा चुकी है। अभी हमने गीत सुना भाई, क्या गाया आपने पहले गीत? दुनिया डुबदी गुनाह दे विच सारी, सारी दुनिया गुनाह दे विच सारी। ते की होया फिर? फिर यस्सू नू आउणा पै गया, तू भी डुब गया, हुण भी डुबदे जांदे। दुनिया डुबदी गुनाह दे विच सारी, ते शाफी नू आउणा पै गया। आज फिर भी वही समा है, आज फिर वही वक्त है। हाँ जी, जोर से पढ़ेंगे। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं। जोर से के कहीं भी हम जाएंगे, खुदावंद या खुदा हमारा अपने वादे में देर नहीं करता, जैसा कि हम समझते हैं। देर हो गई है जी। उसने जो वादा किया हुआ है वो आयन वक्त पर पूरा होता है और हुआ है। इब्राहिम को क्या कहा था जी? जॉर्ज नहीं, वादा क्या किया था? अपने नातेदारों, क्या होगा अपने नातेदारों? नहीं, मैं तुम्हें क्या दूंगा? बरकत दूंगा। ठीक ठीक कब इसने साल की उम्र से उस वक्त 99। देखिए खुदा का वादा, वो अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी बात हम समझते हैं कि देर हो गई है। मुझे 1 महीना हो गया, मुझे 1 साल हो रहा है, मैं दुआ कर रहा था, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है। आप ये सोचते होंगे, बड़े बड़े वाक्यात मशहूर है, हन्ना को देख ले, How many years? Nobody knows. सालों साल से लगी हुई थी, 18 साल एक उबली औरत चर्च डायरेक्टर भी कर, कितने साल से? 18 साल से। थोड़ी मुद्दत है, लेकिन कंटिन्यूसली यानी लगातार वो चर्च जरूर जाती थी, इस ईमान के साथ कि एक ना एक दिन जब मैं चर्च जाऊंगी तो मुझे वहां से शफा मिलेगी, यीशु उसे जरूर होगा। खैर, इस हफ्ते नहीं यीशु आया, क्योंकि वो चर्च गया हुआ, लेकिन उसका ईमान था कि जब तक मैं 18 साल तक वो लगी रही जाती रही, कोई इसको लेके नहीं जाता, वो अपनी उसी हालत में जाती थी, उसी हालत में वापस आती। कितने दिन आप बता, हम समझते हैं देर हो गई, और कोई पासा देखिए हम, और कोई तरीका अख्तियार करें। ये लोग हमारे अंबिया, हमारे बादशाह कौम बनी इसराइल भी यही किया करती थी, भूल जाती थी अपने खुदा को, भूल जाती थी पुत्रों और पुत्रों के प्रश्न शुरू कर देती थी। अभी हमने पिछले कि मैं यही मैसेज सुना, सौल बादशाह किसका मजा किया हुआ था? खुदा का, खुदा ने उसे चुना दिया, मजा किया खुदा के नबी ने, लेकिन क्या हुआ? इसी तरह हमने 1 साल 2 साल कितने साल इंतजार कराऊंगी, इसलिए कहा दर्शन उस वक्त का इंतजार ना मिला जब 6 लोग बैठा के आपको चर्च देखे। ओ उबड़ी औरत अपने पाँव पे चढ़ के आती थी, दो पाँव यकीन के पास नहीं जाती थी, वैद के पास नहीं जाती थी, कहाँ आती थी? खुदावंद खुदा के पास आती थी, वो मुझे शिफा देगा, वो मेरी जिंदगी को बहार फेर करेगा, और ऐसा ही हुआ। बहुत सारी तालियां उसके लिए, अपने वादों में देर नहीं देखता है, देखता है कहां तक आप जाएंगे।
मैं एक बार फिर आज खास तौर पर जब आत्मा खास तौर पर पछताऊंगा जो कड़ी एडिशन होती जा रही है, बेहतरी होती जा रही है। तबला बजाने वाले सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी वजह से काफी बड़े जुबाज नए और लोग तैयार होते जा रहे हैं। नहीं जी गाँवेंगे सिखाएंगे, उस बच्चे ने आज बड़ा कमाल कर दिया। मैंने तो बहुत मोशन पोस्ट लेकिन थोड़ी थोड़ी बात आनी शुरू बहुत सारी चर्चा रुकना नहीं जी आगे। बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मल करता है। बल्कि तुम्हारे बारे में क्या करता है? तहम्मल करता है। काला नहीं पैदा खुला मैं पंजाबी तो दस ना मेरी स्कूली की गल काले पैदा आधा घंटा किसी का वेट कर खड़ो यार मैं उसे सारा बाबा भी आ रहा हूँ बच्चे चलो चलिए देरी होगी आगे क्या होगा दोबारा पढ़ेंगे। बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मल करता है। बल्कि तुम्हारे बारे में क्या करता है? तहम्मल सबर। 4000 साल के बाद खुदा ने यीशु मसीह दुनिया में आए थे। 4000 साल तहम्मल किया वो नहीं जानता था नीचे क्या हो रहा है। 4000 साल के बाद अब खुदा ने यीशु मसीह को वापस ले लिया। कितने साल हो गए? 2000 साल अब भी तहम्मल कर रहा है। क्या कर रहा है? ये लिखे जाएंगे इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। इसलिए तहम्मल करता है, इसलिए सबर कर रहा है, इसलिए आपकी तरफ देख रहा है। उसकी निगाह हर चर्च पर है, हर मेंबर पर है, हर फर्ज पर है, हर बेटे पर है, हर बेटी पर है। वो क्या कर ले? बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इससे बेशतर कि आपको 6 लोग उठा के चर्च में ले जाए तौबा के लिए। देयर इज नो टाइम। यस करता नहीं तौबा नो दो अलग करके नहीं मैं तौबा कर रहा हूं। अब वक्त है क्योंकि वक्त बहुत करीब है। वक्त क्या है? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। खुदावंद का दिन किसकी तरह आएगा? चोर तो अधिकार दिनों को चोरी करना आएगा या डाकू तो दस में आएगा। एडमिन तगड़ा नहीं मैं आ गया। कैसे आएगा? चोर की तरह। क्योंकि आप बेखबर होके सो रहे हैं। और क्या होगा जी? उस दिन आसमान बड़े शोर व हुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। उस दिन आसमान बड़ा क्या होंगे? शोर व हुल के साथ तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। देखें हम सोच रहे हैं खुदा ने आसमान बनाया, खुदा ने वहां पर पूरा तख्त भी लगाया हुआ, खुदा ने चांद सूरज बनाया, इतनी मेहनत करके इतने सालों के बाद उसको खत्म कर दिया। लेकिन वो करेगा। हाँ जी। और अजराम में फल हरारत की शिद्दत में फलक। अजराम में फलक में क्या क्या है जी? चांद सूरज चाय क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। और सिर्फ आसमान पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी और जो उसके काम है क्या होंगे? जल जाएंगे। हर चीज नेस्त और नबूद हो जाएगी जी। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी। अब याद रखें ये सब चीजें कितने हजार साल से बनी हुई हैं? 6000 साल से। अगर वो 6000 साल के बाद भी कायम ना रखे रहेंगी वो पिघल जाएगी। वो इस कदर आपको कुछ नजर भी नहीं आएगा। तो फिर क्या है? ये भी सोचा करेंगे। साइंसदान लगे हुए हैं, फौजा लगिया, असला बनाओ, कुछ नहीं बनेगा। कोई F-16, F-32, F बना, एफ मेन फेल है।
क्रूज मजा है, स्काइड मजा है, ओ सदाव उठो मारता थी, इतना रे आज दिन देख, निकला थी कि नहीं निकला, निकला, निकली नहीं थी उन्हें मजा है, लेकिन जब खुदा बोला, हर चीज क्या होगी, निकल जाएगी लिखा हुआ, कोई गंजाइश नहीं रहेगी, इसका और मैं आपको जिक्र दे देता हूँ, जिस पुराने आते में भी देख ली ये बात है, बाकी ऐसा होगा, इसाया 34 बात क्या है देखेंगे ये बाकी ऐसा होने वाला के ओ आवे पत्रस ने कह देता अंजो वेगा से अंजो वेगा आए हम पुराने आयतनामे में चले जाए पुरानी तारीख में चले जाए जी और तमाम जनामे फलक गुजर हो जाएंगे और तमाम अजरामे फलक क्या होंगे विदाउट हो जाएंगे पहले भी सुना है और फिर अब सुन रहे हैं यशाया से हां जी आसमान तुमार की मानज लिप्त जाएंगे और उनके आसमान तुमार की मानज क्या हो जाएंगे लिप्त दिए जाएंगे तुमार क्या होता है पता किसी को पुराने वक्तों में वो रोज होते थे जिन पर लिखा जाता था और उनको खोल के ऐसे पढ़ा जाता था ऐसे ही होगा हाँ जी और उनकी तमाम अफवाज ताक और अंजीर के मुरझाए हुए पत्तों की माने और ये जमीनी फौजों का हाल बता रहा है क्या होगा अंजीर के मुरझाए पत्तों की माने क्या होंगी गिर जाएंगे फिर क्योंकि मेरी तलवार आसमान में मस्त हो गई है मेरी तलवार आसमान में मस्त हो गई अल्लाह ने बताया बड़ा लिखा बड़ा इंतजार किया बदी 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 नारास्तिक नाफरमानी हरामकारी जादूगरी रिनाकारी उसी बाज ही नहीं आ रहे यही हाल हुआ यूं के वक्त में यही हाल हुआ था किसी ने नहीं सुना बाबा नू पागल हो गया मुल्ली इंडिया का बाबू जी खुदा के खादम यही ललकारते हैं आपको टाइम इज वेरी शॉर्ट वक्त करीब है अभी आप खुद देखते हैं हालात कभी सुना था नहीं आता है और भी किधर ही ऐसा दस रुपए बारह रुपए मान कदम मैंने खरीदी दो रुपए किलो दो तीन दस क्यों है आज ये जगह जगह काल काल शुरू हो गया यूरोप चला उठा है डॉलर भी चला रहा है 40% महंगाई बढ़ गई 50% महंगाई पाकिस्तान चला रहा है सऊदीया चला रहा है अमरीकी 5-6 हजार की बैग 15 वो चीजें हो रही हैं जिनका आप सोच नहीं सकते लोगों को रोटी खानी नसीब नहीं हो रही दो वक्त का खाना मुयस्सर करने के लिए भाग दौड़ हो रही है और भाग दौड़ क्या हो रही है चोर डकैतियां कत्लोगार लूट मार आखिरी जमाने का आगे जी और देखो औदम पर और उन लोगों पर जिनको मैंने अलोन किया है सजा देने को नाजर होगी और ये सजा अब शुरू हो जाएगी ये क्या होगा लेकिन ये सब कुछ पिघल जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा फौजे अंजीर के पत्तों की तरह मुरझा के सूख जाएंगी ओ बेहतर भी फौज हो पाले रशिया हो पाले खुदा अजीम के सवा कोई सुपर पावर नहीं है खुदा ही हमारा अजीम खुदा है और वही सुपर पावर है वापस जाएंगे जी पहला पत्रस दूसरा पत्रस तीन पत्रस क्या बचेगा
जब ये सब चीजें इस तरह बिगड़ने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में और तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में दीनदारी में क्या करना है, कैसा कुछ होना चाहिए, कैसा बचेगी दीनदारी, बचेगा तो पाक चाल चलन कुछ नहीं बात और क्या, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मंतजर और मुश्किल और आपको उस वक्त का मुंतजर होना कुछ नहीं बचेगा, कोई सुपर पावर नहीं बचेगी, कोई बचाने वाला नहीं बचेगा, अगर बचेगा तो क्या है आप रास्तबाजी आसमान से सदाकर नाजल होगी और जमीन से रास्तबाजी बड़ी बात दौड़ में लगे हुए हैं, ऐवी कर रही थे ऐवी कर रही थे, फट लो फट लो फट लो फट लो बाकी 24 भाग में पढ़ेंगे सुनेंगे बेरा 24 भाग के पूछ रहे थे ये कब होगा, ये कैसे होगा, से निकल कर जा रहा और यीशु जब हैकल से निकल के बाहर निकले तो क्या हुआ, उसके शिगिर्द उसके पास आए और उसके शिगिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाए, आगे उसको हैकल की क्या करे किंगडम टावर देखने का जी आगे उसने जवाब में उनसे कहा क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर पर मैं तुमसे सच कहता हूँ 2000 साल किसी नबी की गवाही नहीं है, खुद खुदा ने क्या कहा कि यहाँ किसी पत्थर पर कोई या किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। अभी आपने सुना सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ क्या होगा बिगड़ जाएगा, कोई चीज नहीं बचेगी, अगर बचेगी तो आपकी रास्तबाजी, अगर बचेगा तो आपका चाल चलन, अगर बचेगा तो खुदावन की शफ़क़त और मोहब्बत जो आपको वापस लेने आएगी वो ही बचेगा, बाकी कुछ नहीं। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शिगिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा हमको बता कि ये बातें कब होंगी, हमको बता ये बातें कब होंगी, और तेरा आना और तेरा आना और दुनिया का आखिर, अभी तो वो तो जमीन पर था, जमीन पर था, हम का नाम हो रहा है अपने शिगिर्दों से, और जब उसने कहा कि ऐसा वाक्या होने वाला कब होगी और तेरा आना कब होगा जी, और दुनिया का आखिर होने का निशान क्या, और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या, क्या क्या निशान क्या, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न करते क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, पहली निशानी पहला काम बात मेरे मेरे नाम से आएंगे, झूठे नबी उठ खड़े होंगे मेरे नाम से आएंगे लेकिन वो झूठे नबी उठ खड़े होंगे, और मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह कर देंगे और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, कोई मानता है किसी आएगा कोई नहीं मानता, बहुत से ऐसे चर्चेस है मैं आपको बता रहा हूँ आज हकीकत में अभी तक भी वो बहुत चश्मपानी में है, यीशु मसीह ने आना क्या वो इस दुनिया में पहले आया था या नहीं आया था, एक चर्च को बहुत पुरानी बात नहीं है, अमेरिका में एक तरह था वहां पर सभी उल्टा लिखा है
प्लेस कॉल्ड सैटैनिक चर्च। किसका चर्च है? शैतान भी अपनी पूरी जोर शोर से लगा हुआ है। जंग जिन्ना भी लड़ता है यहोवा वो जंग कभी नहीं हारते। शैतान अपनी जोर जंग में लगा हुआ है खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश से बल्कि दुनिया में आने से आगे अदन से वो शुरू हुआ हुआ है। तोड़े उस निजाम को, तोड़े उस निजाम को, तोड़े उस निजाम को जहां तक खुदावन यीशु मसीह पैदा हुए थे वो शुरू हो गया आखिर तक लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। आदि में श्रीलंका में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ, इराक, लीबिया, सब मुल्कों का हाल देख ले। जंगी लड़ाइयां, कत्लो गार, मारा मारी और कुछ नहीं बाकी बच रहा। खबरदार घबरा न जाना, खबरदार क्या नहीं करना, क्योंकि इन बातों का वाकई होना, इन बातों का वाकया होना जरूर है और वाकया हो रही है और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। कराची में आदि में बल्कि चंदनी माँ से हम देख रहे हैं, दिन दिहाड़े डाके जा रहे हैं आप, कोई नहीं पूछता, नहीं मन नहीं कुछ दिया तो क्या था। ये है इंसान की अपनी हवस के लिए इंसान कुछ कर गुजरता है, रेप 3 साल 4 साल 6 साल बच्चियों के साथ रेप मत कर देते, ऐसा तो जानवर भी नहीं करते। कोई स्पेयर नहीं किसी को कर पाता, उसे आपने खुद गलती सस्पेक्शन इतनी बढ़ गई है कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। ये कोई शुरू हो गया, शुरू हो गया क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत चढ़ाई करेगी हो गया और जगह जगह काल पड़ेगी। इसका मैंने आपको बताया क्यों है काल मुसीबत काल, वहां खाना नहीं है, जरूरियात जिंदगी की चीजें मैसर नहीं है, तेल इतना नहीं है कि आपको सस्ता दिया जाए, आपको हर चीज पर टैक्स और बुचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू भी हो, और ये बातें जो शुरू हो चुकी है मुसीबतों का शुरू होंगी, ये नहीं सोचना मंगाएंगे इनके बस की बात नहीं। वो प्राण खान हो शबाद हो वो फौज आ जाए, ये उनके बस की बात नहीं, कलाम की बात है। ये कलाम की बातें पूरी होनी है और हो रही है। वो कहता है कि ये शुरू हो चुका है, ये ऐसे बस हमारी सोच मसीहों की सोच जो खुदा का कलाम सुनते और पढ़ते हैं उन्हें खबरदार रहने की जरूरत है। उसने चरण किया हुआ है आपको कि अगर बचेगा तो आपका चाल चलन, अगर बचेगा तो आपकी देखिया बचेगी, अगर बचेगी तो यहाँ पर रास्तबाजी बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। आए अपने बच्चों को, अपने आप को, पांच चाल चलन
दीनदारी तो है नहीं, क्या कोई दीनदार लुटमार पैसा कैसे बनाना है। हम एक दरिया के 50 हो गए 55 हो गए बंदे को 10,000 बना के उठे बता के ना बन के जा रहे साफ ऊपर ही है। अभी यही तो कहते हैं ऐसे सोचने बड़े खुश हैं वो 50,000 का होता की है हां जी बिल कितने लाख बेचो के तो बिल ला रहे हैं नो नो 10,000 बिजली के बिल ला रहे लुट मार के ऐसा होगा एक ही नाम बख्शा दिया ओनली वन नेम। नाम क्या है वो बताए मुझे यस्सु राम। क्या जी यस्सु राम। यस्सु राम बख्शा गया है बहुत सारी तालियां आमीन। ओनली वन ओनली वन कोई दूसरा नाम बख्शा गया ना कोई सुपर पावर ना कोई आपकी फौज ना आपकी हुकूमतें। अंजीर कभी भाई ने पढ़ा था अंजीर के पत्तों की तरह उसको बता क्या होगा गिर जाए जब पत्ते गिर जाते तो क्या आपकी शहनशाहियत आपकी जिंदगी है। अगर आपने तो बना दी तो आपके पत्तों की तरह जाती सूख के खाक हो जाए। पत्ता जब सूख जाता है उसे इकट्ठा करके कान देखा जाता है जो जो भी याद जाता है याद ये याद हो हर उसने उसने कहा कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता खुदा किसी की हदाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि उस वक्त से पहले कि तुझे उठाया जाए और आग और गंदक में फेंक दिया जाए या तेरी मैयत को उठा के 6 आदमी चंद में लेके जाए। क्या कहा था और क्या करो आसमान की बादशाही नजदीक आ गई 2,000 साल पहले जब उन्होंने अपनी खिदमत का एहसास किया था तौबा करो तो किस्मत की बादशाही कलाम में कोई तब्दीली नहीं और उसने कहा जी हमारे पर फर्ज है कि हम गवाही दें हम दूसरे शख्स को मुसलमान करें तो पता नहीं थी मैं लगा के देना ये है वो नहीं जानते वो क्या कहते हैं आए खुदा इनको क्या करे माफ इनको माफ कर ये नहीं जानते ये क्या करते हैं या क्या कहते हैं ये उनको मुसलमान ही बात से जाएगा तो दूसरी बात की अगर आप इस्लाम क्यों नहीं करते बाहर रहने के मैं तुम बाहर हूँ मैं तेरे क्या हूँ मैं तेरे से क्या हूँ ये जहाँ जा रहा मुझे पता है मुझे मुसलमान हो के नहीं जाना मुझे किसके नाम पे जाना है यसु के नाम पे जाना है और यसु के लहू से धुल के जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड थूका गया मारा गया क्या नहीं किया उन्होंने छननी छननी पिंडा का छाया मुझे याद है काफी साल पहले मुझे पता होने दवा पर कोई ऐसा नहीं टाइम एक जगह पर खड़े थे मैं आगा नहीं मुझे पता नहीं बारी आ रही है कि देखी जा रही है
दे गए रोजा की बात है। देखो कितनी मसाले लोग उसी के नाम से काम कर रहे हैं। उसी ही पागल हो गया सो बताओ तो वो भूख ना कोई मीन में पुष्प मिल रही है अंत नुसरानी अंत मसीह बड़ा कुछ बखता गया ना तो ऐसा भी है कर रहे लोग ये सुबह मना लो हमें स्टाइल आप बताओ तो बहुत कुछ करें कच्चा दिक्कत ये करेंगे जाहिर किए जाएंगे गालियां निकालेंगे कामा रख दिया मेरा कि दूसरा आया मतलब और ना पकड़ अंदर कमरे में बंद कर दिया होने में खड़ा था कि हाथ पैर बने तो डरी कर गए तो साथ एक हिंदू था वो भी मारा बता था एक मुसलमान मुसलमान को तलवार बना ले लेंगे कारण दो आने का था लाश को भी आगे बढ़ने मारे बढ़ने तो जब वो चेंज बिता उनके जा अब उनके बंद क्यों चलिए हमी ने सो अभी तीन दिन भी बिता दिए तो फेल दाया वापस आए तो क्या हुआ दरवाजा बंद हो गया वो ना हमें साधा दिया बाया बाद नहीं है दूसरी कला हमें सुबह आपको चुन जाता है ना क्या आपको पता कितनी गलती है सूर्य कितना दूर है हमसे anybody knows ये बहुत पुरानी बात स्टोरी तीसरी चौथी तुम्हारे में पड़ा था इसमें कितने करोड़ लोग 9,30,00,000 दूर ये अभी भी याद है वो मैंने पढ़ा हुआ था 9,30,00,000 9,30,00,000 से सूर्य इस मार्ग में मेरा और स्मार्ट के बलंदी का कोई फासला नहीं है मसीह खुदा को दे नहीं दूर होना अमरीको जा चार दस दस घंटे लग रहे मसीह खुदा उस मोहन लगो दे बड़ा टाइम लग रहा है तोबा कर रहे नहीं था बड़ा फट जावांगे गिरजे मसीह ते जाके तोबा कर रहे उसने बताया आप याद रखे मेरा खुदा बड़ा सिंह खुदा है वही खुदा है आदमियों पर चुम्बश करता है वही खुदा है तब्दील तो नहीं होती इब्तदा में खुदा था और क्या था फिर क्या हुआ था फिर वही खुदा फिर वही खुदा मुझे सुनवा दिया जो पानी ऊपर ग्रहों के ऊपर मेरा खुदा पानी की जगह पर चुम्बश करती थी सेम गॉड वही जमीन पर उतरा था क्रिसमस जो मना दे याद रखा जो खुदा आज भी वही खुदा है आज भी वही कलाम है कलाम के मुकद्दस वही है तो नहीं लेकिन मुसलमान के इसलिए पागल हो गए और ये बड़ी बाइबल तो पता है सर बदली थी इसलिए कुरान को आना पड़ा तो आया यार कर खुदा का कलाम ना चलती है आपको पता कि मसीह खुदा का नाम कुरान में कितनी बार 25 दफा मोहम्मद का सिर्फ 4 दफा ऐसा ही 5 दफा कौन नस्ल हुआ यीशु मसीह मोहम्मद नजर आए मक्के मदीने में है खुदा यीशु मसीह तो आसमान पर है कौन अफजल है यीशु मसीह जिंदा कब्र में से जी उठा और कहा कब्र मजबूत है खाली ये लिए कब्र लगा दिया तो तुम्हें जिंदगी भर याद रहे मैं तो इब्तदा से जो आप जुड़ी था जल्द आने वाला हूँ कहाँ तो देखेगा देख सी इन द बाइबल रीड इन द बाइबल एक मैन
जल्द आने वाला आगे और हर एक के काम के मुआफिक और हर एक काम के मुआफिक जो मैंने पहले बताया बचेगी तो नहीं बचेगी तो राष्ट्रवादी बचेगी। हाँ जी हर एक अजर मेरे पास हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास बता कर लूंगा मैं क्या किसी बच्चे मेरे को आपको भी मिलेगा गिफ्ट क्रिसमस पर ओके मैं अल्फा और ओमेगा मैं अल्फा और ओमेगा अव्वल वो आखिर अव्वल और आखिर इब्तिदा और यानी बताया जब ग्रह के ऊपर अंधेरा था तो मैं उस वक्त भी मौजूद था पानी की सतह पर जुम्बश करता था और आज भी हूँ आगे और अब देख मैं जल्द आने वाला हूँ आगे। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। या उस वक्त का इंतजार कर लो जब आप मैं कुछ आदमी उठा दू चर्च में निकला या इस वक्त का इंतजार अगर मेरे पास है किसके पास है कमाना थोड़ा काम और यू बड़े भी अपने आप को तैयार करें मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ अगर उसके पास महफूज है महफूज कर अभी से हमने अपने अजर के लिए क्या करनी है मेहनत करनी है उसे महफूज करना है जब वो आए तो बड़े जोर से आवाज देगा कमल बेटी प्लीज कम आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू बखार तुम आ जाओ सनी आप आ जाओ मुश्ताक भाई आप आ जाओ आपके नाम पुकारे में जाएंगे फरिश्ते खुदा के वास्ते कम एंड टेक योर गिफ्ट Come and take your gift. क्योंकि आपने माना है आपने वर्ड दिया आपने कलाम को सुना आपने दुआ की आप दुआ में ठहरे आपने खादिमों से कलाम सुना आपने खुद अपने आप को खुदा के कलाम के साबे कर दिया मौत दिया कोई दूसरा नाम नहीं बोल सकता है।